स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 सीट अलॉटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का जो सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट जो रिलीज हो चुका है, किस तरह से आप सीट अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इनकेस झारखंड पॉलिटेक्निक का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 सीट अलॉटमेंट चेक करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा और उस लिंक पे क्लिक करते आप लोगों के सामने इस तरह का एक न्यू पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, हर एक चीज यहाँ पे अलॉटेड जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे दे दिया गया है। हर एक चीज आपको फुल डिटेल यहाँ पे इस जो पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी गई है। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोग आसानी से अपना जो झारखंड पॉलिटेक्निक का सेकंड राउंड अलॉटमेंट है वो आसानी से चेक कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। जस्ट इन केस अगर फिर भी कोई परेशानी या कोई भी इशू फेस होता है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।